भारत के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी सहित 13 लोगों का बुधवार को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रीय वंदना समिति के द्वारा महानगर स्थित एक निजी मैरिज हॉल में सीडीएस विपिन रावत के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर अंतिम प्रणाम किया गया एवं उनकी आत्मा की शांति हेतु भगवान से प्रार्थना की गई और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में राष्ट्रीय वंदना समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि विपिन रावत जी की असमय जाना भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने बताया कि विपिन रावत अपने कार्यकाल में सेना में सुधार के जो प्रयास किए हैं, साथ ही सीडीएस के तौर में सेना के तीनों अंगों में समन्वय का कार्य, सेना के आधुनिकीकरण का कार्य आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संबोधित कर रहे थे, ऐसे में उनका असमय जाना एक दुखद समाचार है जो भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि भगवान उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उन सबको अपने चरणों में स्थान दे। इस मौके पर राष्ट्रीय वंदना समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय वंदना समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, ये एक एक व्यक्ति का वो है, 13 लोग हुए थे ना शहीद। 2 मिनट का मौन रखेंगे और जो भी दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान अमर रहे, अमर शहीदों का बलिदान, अमर शहीदों का बलिदान, विपिन रावत अमर रहे, माता की जय। जैसा कि आज पूरे देश भर में कल से ही दुख का माहौल व्याप्त है, भारतवर्ष के पहले सीडीएस श्रीमान विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी जी एवं 11 अन्य सेना के जवान और उनके सहकर्मी एक बहुत हृदय विदारक दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के लिए शहीद हो गए। आज हम राष्ट्रवंदन समिति के सभी पदाधिकारी उनको अंतिम प्रणाम करने हेतु एवं उनके दिवंगत आत्मा को शांति के लिए हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग ने उनके लिए, उन 13 आत्माओं के लिए एक दीप प्रज्वलित कर भगवान से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही विपिन रावत जी ने जो देश के लिए कार्य किया, जो उन्होंने अभी सेना में बदलाव का कार्य किया, जो सेना में समन्वय का कार्य किया, वो अतुलनीय कार्य है और वो क्षति कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। लेकिन अगर सेना हमारी विश्व की नंबर 1 सेना बनी तो वो निश्चित तौर पे विपिन रावत जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी।